जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज हमारे एक और सेवारत सैनिक को टोल प्लाजा के ऊपर रोका गया और उससे टोल टैक्स वसूला गया। उसने अपना आई कार्ड दिखाया, लीव सर्टिफिकेट दिखाया, फिर भी टोल प्लाजा के कर्मी ने कहा कि सैनिकों को किसी भी प्रकार का टोल टैक्स माफ नहीं है। लेकिन इंडियन टोल्स आर्मी एंड एयरफोर्स एक्ट 1901 में सीधा सीधा प्रावधान लिखा हुआ है, सेवारत सैनिक चाहे ऑन ड्यूटी हो चाहे ऑफ ड्यूटी हो, उससे किसी भी प्रकार का टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा और टोल प्लाजा के कर्मी उसको सम्मान करेंगे। लेकिन यहाँ पे अपने देश में सैनिकों का अपमान हो रहा है, लेकिन विदेश में सैनिकों का सम्मान हो रहा है। देखिए पूरा वीडियो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कौन सा है यहाँ पर टोल टैक्स है? ये खड़खड़ा टोल टैक्स पर मेरे पास आई कार्ड है, लीव सर्टिफिकेट भी है, मेरी पर्सनल व्हीकल है, ये लीव स्लिप भी दिखा रहा हूँ, मैं अपना आई कार्ड भी दिखा रहा हूँ। लेकिन इन्होंने बोला है कि ऑल इंडिया के अंदर हमारा टोल टैक्स फ्री है, लेकिन ये नहीं है, ये भारत या पाकिस्तान में पड़ता है शायद मेरे समझ से, या लाहौर में है। ठीक है, यहाँ पर ये टैक्स लिया जा रहा है। नितिन गडकरी जी बोलते हैं कि हमने ऑल इंडिया जितने एक्सप्रेस वे बनाए हैं वहाँ पर टैक्स नहीं है किसी प्रकार का। मोदी जी बोलते हैं ये भारतीय सेना के लिए गिफ्ट है, इनका गॉड गिफ्ट। ये भाई साहब है यहाँ पर आपके 152 डी एक्सप्रेस वे पर टोल टैक्स एग्जम्पशन नहीं दिया है। ठीक है सर, इसीलिए मैं भी प्रूफ रख रहा हूँ आपका, है ना सर? हाँ ओके सर, आप पर्ची लीजिए या पैसा देखिए सर। ओके थैंक यू। जय हिंद, मेरा नाम नायक अनिल पाटिल और मैं टोल प्लाजा, कौन सा है सर ये टोल प्लाजा कौन सा है? हिलालपुर टोल प्लाजे पे हूँ और हिंदुस्तान में डिफेंस पर्सन के लिए हर एक टोल प्लाजे के लिए फ्री है, लेकिन इस टोल प्लाजे में लीव सर्टिफिकेट पे आपको अलाउड नहीं है। क्यों नहीं है, मैं ये रोड मिनिस्ट्री ऑफ नितिन गडकरी साहब को पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सेना में कार्यरत हूँ और लड़ाई लगेगी आपातकालीन स्थिति में मैं सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए रहूँगा। मोदी साहब नहीं रहेंगे, नितिन गडकरी साहब नहीं रहेंगे, और ये टोल प्लाजे पे मैं अभी अनशन पे बैठा हूँ, यहाँ से मैं जाऊँगा नहीं, विद फैमिली यहाँ पे सो रहा हूँ। ये आप मेरी गाड़ी देख सकते हो और गाड़ी में सब मेरी फैमिली पूरा बैठा हुआ है। मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे 6 करोड़ फौजी भाइयों के लिए कर रहा हूँ, एक सर्विसमैन के लिए कर रहा हूँ। मेरे लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। नितिन गडकरी साहब मेरे को आपका 1050 रुपये लेके मेरा घर नहीं चलेगा, लेकिन एक फौजी का आप 1050 रुपये ले रहे हो, ये बहुत बुरी बात है। जय हिंद, धन्यवाद।